सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने पीसी या लैपटॉप की मदद से आप अपने ऑडियो को क्लियर कैसे कर सकते हो, यानी कि ऑडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के पास ना पीसी या लैपटॉप होता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार और एक ट्यूटोरियल बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आप अपने फ़ोन की मदद से अपने ऑडियो को कैसे एडिट कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन की मदद से ऑडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ बिना एक भी दिन मिस किए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक ऐप जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये ऐप दोस्तों आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल मिल जाता है, आप वहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो बिना कोई पैसे दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा दोस्तों कि अगर आपका ऑडियो वीडियो के साथ अटैच्ड है तो उसे सेपरेट करना होगा, यानी कि वीडियो को और ऑडियो को अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं जानते हो कि इसे अलग अलग कैसे कर सकते हो, तो एक बार मेरे काइन मास्टर का ट्यूटोरियल देख लो, उसमें मैं एक पार्ट में बताया हूँ कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको ना सेपरेट करने के बाद वीडियो को वहाँ से रिमूव कर देना होगा, उसके बाद अपने ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो वो सब करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है इस ऐप में। तो यहाँ पे आपको ना सिंपली एक ओपन का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना ऑडियो डायरेक्टली ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना ऑडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टाइमलाइन में यहाँ पे अपना ऑडियो शो हो रहा है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा नॉइज़ है, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोई ना दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है। तो अब बात आ जाती है दोस्तों कि हम अपने नॉइज़ को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 3 बटन्स ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है एफएक्स में, और एफएक्स में आने के बाद यहाँ पे नॉइस रिडक्शन नाम का एक आपको बटन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एक भी चीज़ को चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। और अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो भी नॉइस वगैरह था वो सब गायब हो चुका है, यानी कि दोस्तों अब हमारा नॉइस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो अब दोस्तों आपको फिर से एक बार जाना है इन 3 डॉट्स के बटन पे, और यहाँ पे आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है, ताकि आपका ऑडियो जो है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस नॉइस रिडक्शन के साथ साथ ना आपका ऑडियो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया था। तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको यहाँ पे 3 बटन्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एफएक्स में जाना है, और यहाँ पे आपको चले जाना है कंप्रेसर में, ठीक है। कंप्रेसर में आने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और यहाँ पे फिर से एक बार आखिरी बार चले जाना है एफएक्स में चले जाना है, और यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इक्वलाइजर, ठीक है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक भी बटन को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अब दोस्तों हमारा ऑडियो सक्सेसफुली एडिट हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपका ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है। तो आप 2-3 बार ये ट्यूटोरियल को देख लेना, या फिर एक एक करके आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ऑडियो एडिट हो जाए ना, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे सिंपली क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपका पाथ सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना नाम, मतलब कुछ भी ऑडियो का नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों हमारा ऑडियो सेव भी हो चुका है, एडिट भी हो चुका है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय। You're a superhero.